मतदान शुरू हो चुका है। सबसे पहले आपको बताते हुए जानकारी देते हुए कि 7 बजते ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और सीकर से लेकर बाड़मेर तक मतदान केंद्रों पर 7 बजने से पहले ही लंबी लंबी कतारें लग चुकी हैं। और ये पहली तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान के जरिए मतदान केंद्र की आप देख रहे हैं। उत्सुकता देखिए, जोश देखिए, पहले से ही तैयारी के साथ कतारों में लगे हुए हैं। युवा भी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पे कुछ बुजुर्ग भी, वृद्ध लोग भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ठंड की शुरुआत हो चुकी है। किसी ने अपने लिहाज हिसाब से शॉल निकाला है, कोई हाफ स्वेटर पहन के आया है, कोई मफलर के साथ आया है, लेकिन वो सुनिश्चित करना चाहता है कि सबसे पहले मतदान का कार्य संपूर्ण कर ले और उसके बाद फिर बाकी कार्य करें। तो 7 बज चुके हैं, ब्रेकिंग न्यूज, सबसे पहली खबर, सबसे पहले बताते हैं मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरें भी। ये देखिए पहली तस्वीर, कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री अपनी उंगली पर स्याही लगाते हुए और ये मार्क दिखाते हुए कि हाँ मैं बस अब अपने मत का इस्तेमाल करने वाला हूं। देखिए समझिए पहले इस प्रोसेस को, पहले अंदर एंटर होते हैं, उसके बाद अपने पहचान पत्र को दिखाते हैं, आईडी कार्ड दिखाते हैं और फिर जो मतदान कर्मी है वो उसको उनके मतदान पहचान पत्र जो है उससे मिलाप करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, अगले जो मतदान कर्मी है उनकी उंगली पे स्याही लगाते हैं, फिर तीसरे जो मतदान कर्मी होते हैं वो नोटिंग करते हैं, लिखते हैं और फिर उसके बाद नंबर आता है वोट डालने का। तो ये तस्वीर लगातार बनी रहेगी आपके सामने कैलाश चौधरी की, बिल्कुल। और न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से सबसे पहले ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर सामने आती हुई बालोत्रा से, ये लाइव तस्वीर आप देख रहे हैं। देखिए अपनी आईडी दिखाई गई यहां पर मंत्री कैलाश चौधरी की तरफ से, आईडी का मिलान किया जाएगा, देखा जाएगा वोटिंग लिस्ट में उनके नाम को, क्योंकि हमने जैसा बताया चाहे आम हो या खास सबका एक ही मत होता है और सबकी एक वोट होती है। और कैलाश चौधरी एक बहुत ही बड़ा ये एग्जाम्पल सेट किया कि सबसे पहले आते हुए यहां पर मतदान केंद्र पर पहुंचे। और ये सबसे पहली तस्वीर न्यूज 18 राजस्थान की तरफ से बालोत्रा से लाइव तस्वीर, मतदान शुरू हो चुका है राजस्थान में और ये बालोत्रा की तस्वीर, कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री वो बालोत्रा के इस पोलिंग बूथ पर पहुंचे हैं अपने मत का इस्तेमाल करने के लिए। तो तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर आपको दिखा रहे हैं, महायुद्ध का महाकवरेज लगातार। सबसे पहले ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं केंद्रीय मंत्री अपने मतों का प्रयोग करते हुए कैलाश चौधरी। इससे पहले भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी जब लाइन में सबसे पहले कैलाश चौधरी खड़े होकर अपने बारी का इंतजार कर रहे थे और ये देखिए ये अपने मतों का प्रयोग करते हुए कैलाश चौधरी केंद्रीय मंत्री मत पर का प्रयोग करते हुए और उसके बाद फिर से अपनी उंगली की स्याही को दिखाते हुए और चेहरे की मुस्कुराहट। और अब देखिएगा हम इंतजार इस बात का भी करेंगे कि यहां से 100 मीटर वो बाहर निकलेंगे और 100 मीटर बाहर निकलने के बाद वो मीडिया से मुखातिब होंगे, क्योंकि जो पूरा का पूरा परिसर होता है चुनाव केंद्र का, ये देखिए कुछ और लोग भी वहां पर जो आए हुए हैं उनके साथ सेल्फी लेते हुए दिखाई दे रहे हैं और चेहरे पर खुशी है, एक संतोष का भाव है और उम्मीद ये करते हैं कि यहाँ पर अपने बयान को भी रखेंगे सामने और बताएंगे अपने भ्रष्टाचार की मुक्ति के लिए। कुछ बोल रहे हैं वो, ऑडियो करते हैं। राजस्थान में बढ़ते अपराधों की मुक्ति के लिए, राजस्थान में बढ़ते जो बलात्कार की घटनाएं उनको उसकी मुक्ति के लिए और तुष्टिकरण से मुक्ति के लिए हमने यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ऐसा मतदान किया है कि भविष्य में यहाँ पर कांग्रेस की सरकार कभी नहीं आएगी, क्योंकि राजस्थान की जनता ने जो पिछले 5 साल के अंदर झेला है ऐसा मुझे नहीं लगता कि पहले कभी हुआ, इसलिए राजस्थान के अंदर पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में निश्चित रूप से मतदान हो रहा है और 150 से अधिक भारतीय जनता पार्टी की सीटें आ रही है। तो निश्चित रूप से आज यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि लोगों के अंदर उत्साह भी है और प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी सरकार। पहले जलपान नहीं करके आपने पहले मतदान किया है, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि हमारा दायित्व है, लोकतंत्र हमारे लिए बहुत जरूरी है और ये महत्व है और इस अवसर पर मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि हमारे लोकतंत्र को सुरक्षित रखना और लोकतंत्र को एक स्वच्छ राजनीति से युक्त रखना ये हम सबका दायित्व है और आज बहुत ही खुशी है कि मैंने सबसे पहले आकर यहाँ पर मतदान किया है और हर व्यक्ति आज जागरूक होता जा रहा है, तो मैं बहुत ही खुश हूँ और नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और निश्चित रूप से आज पूरे देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सभी जगह लगभग सरकारें हैं और
नरेंद्र मोदी जी के प्रति लोगों की जो आस्था है, विश्वास है, आज देश आगे बढ़ रहा है, भारत का सम्मान पूरे विश्व में हो रहा है। तो इसलिए आज जनता की भी अपेक्षा है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़े, तो इसलिए सभी आज इस महापर्व के अंदर भाग ले रहे हैं। आपने सुना अपनी बातों को यहाँ पर रखते हुए, मत का इस्तेमाल करते हुए अब बाहर निकल रहे हैं। और इस बीच प्रियंका हमारी दो सहयोगी भी जुड़ चुकी है, इनको भी इंट्रोड्यूस कराना जरूरी हो जाता है क्योंकि 7 बजे है, मतदान शुरू हो चुका है। हमारे दो सहयोगी भी हैं तो स्टूडियो में 4 हमारे न्यूज 18 राजस्थान के साथियों के जरिए आपको आज पूरे दिन न्यूज 18 राजस्थान के जरिए राजस्थान की चुनावों की खबरें मिलेंगी। हमारे संवाददाता 199 मौजूद रहेंगे, पल्लवी और आयुषी हमारे साथ मौजूद हैं। पल्लवी, और अभी खबरों का भी मतदान की क्या खबर आ रही है वो दर्शकों को बता देते हैं कि 199 सीटों पर मतदान शुरू हो चुका है, 7 बज चुके हैं और यही वजह है कि मतदान की प्रक्रिया जो थी वो शुरू कर चुकी गई है। कैंडिडेट की किस्मत अब ईवीएम में कैद होना शुरू हो जाएगी। विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू कर दिया गया है। बताते चले कि पहली तस्वीर आपके अपने न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान ने आप तक पहुंचाई, जब पहले व्यक्ति ने मताधिकार का अपने प्रयोग किया और इसी के साथ अब एक एक करके प्रत्याशियों की किस्मत जो है वो ईवीएम में कैद हो जाएगी। और ये ईवीएम का पिटारा जो है ये 3 दिसंबर को खुलेगा, यानी कि आज जब अपने मताधिकार का प्रयोग कर लेंगे तो 3 दिसंबर को नतीजे आएंगे और पता चलेगा कि आखिर किसकी किस्मत चमकी है। प्रियंका, बिल्कुल, तो कुछ ही समय में यहां पर से और तस्वीरें आपको दिखाएंगे, अलग अलग जगहों से भी तस्वीरें दिखाएंगे, कुल 199 सीट जहां पर मतदान किया जाना है। आयुषी, बिल्कुल प्रियंका, देखिए सुबह के 7 बज चुके हैं, सभी को इंतजार था इस समय का और देखिए विधानसभा चुनाव के लिए मतदान शुरू हो चुका है। मैं मल्ला में पहले आ गई थी और तब से लाइन में लगी हूँ और मैं बिल्कुल चाहती हूँ कि देश बदले और उसके लिए हमने मोदी जी ही मानते हैं हमको और वही उनके लिए ही हम तो देखिए युवाओं की बात आपने सुन चुकी है, बुजुर्ग महिलाएं उनसे माता जी आप सुबह 7 बजे यहाँ पे लाइन में लग रही हैं, क्या मुद्दा है आज जिनको लेकर आप वोट कास्ट करेंगे? जो भी जीते हैं देश का विकास करें और अपने देश के विकास, तो कहना है कि जो भी जीते वो देश का विकास करें, राज्य का विकास करें। और बात करते हैं क्या मुद्दा रहने वाले हैं आज यहाँ पर? एक तो परिवर्तन होना चाहिए और मोदी जी पे लोगों को अधिक विश्वास है, अभी तक उनका कोई संगीन आरोप नहीं है, जनता उन्हें पसंद करती है, विकास राजस्थान के लिए मैं बात करता हूँ तो राजस्थान में, चूंकि आप राजस्थान के रहने वाले हैं, क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आज आपके मन में था कि मुझे वोट देना है? यही रोजगार उपलब्ध हो, पानी बिजली सही समय पे और पर्याप्त मात्रा में मिले और रोड वगैरह का डेवलपमेंट सही हो, स्मार्ट सिटी के हिसाब से पर्याप्त काम नहीं हुए जो होने चाहिए। तो देखिए पानी बिजली मुद्दा है, राष्ट्र का हित मुद्दा है, सुरक्षा मुद्दा है। यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी मतदान केंद्र पर एक सेल्फी जो पॉइंट है वो लगा रखा है, यहीं पर आई एम प्राउड ऑफ वोटर, ये यहाँ पर लगा रखा है, तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव और ये स्टैंडिंग यहाँ पर लगा रखा है जिसके जरिए आप वोट कास्ट करने के बाद में आप आई एम ए प्राउड वोटर का ये जो सेल्फ स्टैंड है यहाँ पर आप फोटो ले सकते हैं ताकि एक जागरूक मतदाता की भूमिका आप निभा सके। कुछ लोगों से हम बात करते हैं। सर क्या मुद्दे हैं जिनको लेकर आप वोट कास्ट करने वाले हैं? राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर सबसे अहम मुद्दा है, पहले राष्ट्र की सुरक्षा होनी चाहिए। राज्य की सुरक्षा के लिए आपको क्या हित है? राज्य की सुरक्षा सेकंड नंबर पे है, पहले देश सुरक्षित रहेगा।